देश में कोरोना के मामले कम होने लगे हैं, ऐसे में कई तरह की रियायतें मिलना शुरू हो गई है। दूसरे देश भी अब कोरोना काल में रियायतें देना शुरू कर चुके हैं। कई देश अब दूसरे देशों के लिए ट्रेवल पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। नारायण सेवा संस्थान भारत भर के शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई बहनों का निशुल्क ऑपरेशन कर रहा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर कृपया डोनेट करें और इन दिव्यांग बंधुओं को सकलांग जिंदगी का उपहार दें। ऐसा ही कुछ यूरोपीय संघ द्वारा किया गया, जब से उन्होंने ईयू डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट यानी ग्रीन पास का मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे को लेकर भारत की यूरोपीय संघ से तनातनी बढ़ गई है। दरअसल ईयू द्वारा भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन को स्वीकार नहीं किया गया है। इस वजह से जिन लोगों ने इस वैक्सीन को लगवाया है उन्हें ईयू देशों में ट्रेवल करने में दिक्कत आ रही है। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से भी अब दो टूक कह दिया गया है कि ईयू की तरफ से भारत की वैक्सीन को मंजूरी दी जाए और सभी भारतीय नागरिकों को बिना परेशानी देश में आने की सुविधा रहे। ऐसा नहीं होने पर भारत भी ईयू देशों से आने वाले नागरिकों पर सख्ती कर सकता है। ऐसे नागरिकों के लिए 14 दिन के क्वारंटीन को भी अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। अब इस तनातनी के बीच इंडिया टुडे ने ईयू के अधिकारियों संग विस्तार से बातचीत की। इस मुद्दे पर उनका पक्ष भी समझने का प्रयास किया। उनकी तरफ से कहा गया कि काउंसिल के लोगों से बातचीत कर इस बारे में कोई फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब अफ्रीकी संघ ने यूरोपीय यूनियन के अपने ब्लॉक में यात्रा को मंजूरी देने के लिए भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड को अपनी सूची में शामिल नहीं करने को लेकर आलोचना की है। अफ्रीकी संघ ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन की ओर से भारत में बिना एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को मान्यता न देने से अफ्रीका में इस टीका को लगवाने वालों को नुकसान होगा। अफ्रीकी संघ यानी एयू अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने जारी एक संयुक्त बयान में कहा कि यूरोपीय संघ का नया नियम अफ्रीका में कोविशील्ड लगवाने वालों के लिए अन्याय वाला साबित होगा। 54 देशों में अफ्रीकी संघ ने सोमवार देर रात जारी बयान में कहा कि कोविशील्ड को बाहर करने से अफ्रीकी यात्रियों के साथ भेदभाव होगा। संघ ने कहा कि यह नियम अफ्रीका में कोविशील्ड लगवाने वालों के न्याय संगत इलाज को जोखिम में डालने जैसा है। तो वहीं इस बीच भारत ने भी यूरोपीय संघ के साथ इस मसले को उठाया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इटली की मटेरा में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों के प्रतिनिधि योसेफ बोरेल के साथ ग्रीन पास के मुद्दे को उठाया। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया कि योसेफ बोरेल के साथ हमारे संबंधों की एक व्यापक समीक्षा हुई। यूरोप की यात्रा के लिए कोविशील्ड को हरी झंडी देने का मुद्दा उठाया गया। आगे भी इस पर नजर बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।